अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। ये वीडियो खास तौर पर दाऊद स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूंगा, और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे करना बहुत ज़रूरी थी, तो इसी वजह से ये वीडियो बनाई गई है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अब आपका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा करीब है, और एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन जो कि स्टूडेंट्स के दरमियान है वो ये है कि हर स्टूडेंट का ये क्वेश्चन, लाजमी ये क्वेश्चन है कि उनका टेस्ट आइदर एनईडी लेगा या दाऊद वाले बनाएंगे या एनटीएस लेगा। तो एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि एनटीएस आपका टेस्ट इस साल नहीं लेगा, और रही बात एनईडी टेस्ट लेने की, ये एनईडी टेस्ट लेगा तो इसमें चांसेस हैं कि 80% चांस है कि शायद एनईडी लेगा। ये अभी कंफर्म नहीं है, और ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली दाऊद की वेबसाइट पर या किसी भी ऑफिशियली वेबसाइट पर हमें ये बात सुनने को या न्यूज़ नहीं मिली कि टेस्ट कौन लेगा। हाँ, जगह एनईडी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन टेस्ट दाऊद या एनईडी कौन लेगा, और किसके पास पेपर्स को हमें प्रिपेयर करना चाहिए। और अच्छा, इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात जो जिसके लिए वीडियो बनाई गई खास तौर पे, वो ये कि आप लोग लाजमी अपने टेस्ट डेट जो है वो मेंशन कर दें कमेंट्स के थ्रू, ताकि हम उस सिलसिले में भी आपके टेस्ट के टेस्ट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज जो हमें मिलेंगे हम उसकी भी वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचा सकें, जैसा कि एनईडी के लिए किया। तो एनईडी के लिए हम इतना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सके टेस्ट के दौरान, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश होगी इस बार दाऊद के लिए कर सकें, अगर स्टूडेंट्स हमारी हेल्प करेंगे और स्टूडेंट्स एग्री होंगे इस चीज़ से। सेकंड ये कि अगेन वही बात के जो हर स्टूडेंट का एक क्वेश्चन है कि टेस्ट कौन लेगा। तो देखिए, आप प्रिपेयर करें एनईडी के पास पेपर्स को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ज़्यादा चांसेस मुझे यही लग रहा है। मैं ऑफिशियली कोई कुछ भी ये आपको नहीं न्यूज़ पहुंचा रहा, ये सिर्फ मैं एक अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ, और 80% मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट भी एनईडी ही बनाएगा, एनईडी के टीचर्स ही बनाएंगे। तो आप एनईडी के पेपर्स जो हैं पास पेपर्स उन पर ज़्यादा फोकस करें, बजाय फोकस करने के दाऊद के पास पेपर्स पे, क्योंकि वो जो पास पेपर्स हैं वो एनटीएस ने बनाए हुए हैं। तो एनटीएस तो आपका टेस्ट नहीं लेने वाला, अगर टेस्ट लेगा तो वो दाऊद खुद लेगा या फिर एनईडी लेगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस एनईडी के हैं, एनईडी के टीचर्स। हाँ, ये हो सकता है कि एनईडी के टीचर्स टेस्ट बनाएं और उन्हें एक दफ़ा वेरीफाई करने के लिए आपके दाऊद के टीचर्स भी एक दफ़ा देख लें, और मैं अगर कुछ चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और आपके पासिंग नंबर इस बार 20 मार्क्स होंगे, और कैलकुलेटर भी अलाउ है, तो मैथ के क्वेश्चन जो होंगे वो कुछ डिफ़िकल्ट होंगे, जैसा कि एनईडी के क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आप एक काम करें, एनईडी के पास पेपर्स को ज़्यादा फॉलो करें, उन्हें करें प्रिपेयर करें, इस चैनल पे भी वीडियोस मौजूद हैं, उन्हें अच्छे से देख लें, उनकी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, अगर इस चैनल से नहीं देखना चाहते तो किसी भी चैनल से, या अपने अगर आपके पास नोट्स हैं तो वहाँ से पढ़ लो, लेकिन ज़्यादा फोकस करो एनईडी के पास पेपर्स पर। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि आपके आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, वो ये है कि एनईडी ने अभी टेस्ट लिए, जैसा कि रिसेंटली का बहुत सारे टेस्ट हुए डिफरेंट शिफ्ट्स की फॉर्म में, तो मेरे पास अभी तक कंप्लीट जितने भी एमसीक्यूज़ हुए हैं ना, ऑलमोस्ट 60-70% तमाम एमसीक्यूज़ हैं जो कि मैंने नहीं भी अपलोड किए कुछ, और अगर आप चाहें तो वो भी मैं अपलोड कर सकता हूँ, मे बी वो आपकी हेल्प कर सकें, एक आइडिया हो जाए, या फिर कोई ना कोई एमसीक्यूज रिपीट हो जाए, वैल्यू चेंज हो, तो अगर आप चाहें तो बता दीजिएगा, उसकी भी वीडियोस बना दूंगा, मेरे पास लिखे हुए हैं वो एमसीक्यूज, तो वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि दाऊद के पास पेपर्स की पर वीडियोस बनाई जाएँ, तो उस पेपर्स में मैंने वीडियोस बनाई 2 से 3, लेकिन वो वीडियो बनाने का मैंने इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्लो बनाई, और मैं रेगुलरली बना भी नहीं रहा। इसकी वजह सिर्फ यही है कि मैं मुझे मालूम है कि दाऊद के जो पास पेपर्स हैं, यानी दाऊद का जो टेस्ट है वो आपके दाऊद के पास पेपर से ज़्यादातर नहीं आने वाला, वो आपके जो पास पेपर जो काम आएंगे वो एनईडी के ही होंगे, तो इसी वजह से मैं ज़्यादातर उस पर फोकस भी नहीं किया। तो क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी तो थोड़ा बहुत मैंने उस पर वीडियोस बना दी, लेकिन देन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि उस पर मज़ीद वीडियोस बना सकूँ, लेकिन एज अ टीचर और एज अ आपका फ्रेंड मेरा ये फ़र्ज़ था कि मैं आप लोगों को गाइड कर दूँ, सही डायरेक्शन दिखाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये देखा है कि उनका हर टीचर से ये क्वेश्चन लाजमी है कि टेस्ट कौन बनाएगा।
तो टेस्ट जो भी बनाए आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, सही है। अब वो एनईडी बनाए या दाऊद बनाए तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। बाकी टेस्ट अगर बनेगा भी तो ये कह सकते हो आपके दाऊद के टीचर और एनईडी के टीचर्स मिलके ही बनाएंगे, ये भी कह सकते हो। लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके एनईडी ही टेस्ट बनाएगी। वो जो टेस्ट ऑलरेडी एनईडी रह चुकी है उनमें से मे भी शायद कुछ कह नहीं सकते, 1 से 2% शायद एमसीक्यूज आ जाए, क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट की फॉर्म में टेस्ट हुआ था तो अच्छे खासे एमसीक्यूज, यानी फिजिक्स के भी अराउंड 200-300 एमसीक्यूज ऐसे हैं जो कि, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स बने हैं तो 200-300 एमसीक्यूज जो हैं वो मेरे पास होंगे इस वक्त। तो अब बहुत सारे पेपर्स बनाए हैं एनईडी वालों ने, तो बनाए तो एक ही बुक में से, तो मे बी आपके लिए वो एडवांटेज हो, आपकी आपकी हेल्प कर सके, तो अगर आप बता दीजिएगा। बाकी दाऊद से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा। और लास्ट में एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, अच्छा सीपीएन बनाने के लिए 60+ स्कोर करना होगा, और टेस्ट में अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आता हो तो उसे लीव कर देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, सही है, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इस चीज़ पर जो है वो फोकस कीजिएगा कि कोई अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसे छोड़ देना, उसे उसका अगर आंसर कंफर्म है तो करो, वरना नहीं करो। 60+ मार्क्स आप करने होंगे लाजमी अच्छा सीपीएन बनाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी ड्यूटी जो है वो कंप्लीट की है, और मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप तक शेयर की। मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम कि टेस्ट कौन बनाएगा, लेकिन एक आइडिया आप तक शेयर कर दिया है, और ज़्यादा चांसेस यही है कि क्योंकि जितने भी मेरे सीनियर टीचर्स हैं या जो भी हैं मैंने उनसे यही पूछा तो उन्हें भी कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना एक आइडिया दिया, वही आइडिया मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। तो कोई क्वेश्चन हो दाऊद से रिलेटेड ये वाले क्वेश्चन के अलावा तो आप पूछ सकते हो। सही, खुदा हाफिज़।